दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप अपने कोई भी लिंक को डालते होंगे तो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड टू मेक एक्सटर्नल लिंक क्लिकेबल, इस तरीके से और सी हाउ का इस तरीके से ऑप्शन आ जाता होगा। अब इसे आप कैसे हटाएंगे, यहाँ पे मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। यहाँ पे मैं पहले आपको बता देता हूँ, तीन तरीके होते हैं ये हटाने के, ठीक है? बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं, तीन तरीके से आप इसे हटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बताते हैं। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे बाहर निकलना आना, यानी कि अपने बाइटी स्टूडियो से बिल्कुल बाहर निकलना है। और आपको इसे बाइटी स्टूडियो को बैकग्राउंड से हटा के आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर वाइटी स्टूडियो में आ जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से स्टूडियो में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है? उसके बाद आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है, इस तरीके का। अब यहाँ चैनल पे आप क्लिक कर लेंगे। चैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फीचर मिल, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है फीचर एलिजिबिलिटी, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले क्या होता था, दो ऑप्शन ही अलाउ थे, लेकिन अभी यूट्यूब की पॉलिसी कुछ चेंज हुई है, ठीक है? इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके एरो पे क्लिक करके यहाँ पे तीन तरीके हैं, वीडियो वेरिफिकेशन, वैलिड आईडी और चैनल हिस्ट्री, ठीक है? तीन तरीके बताऊंगा मैं आपको। तो एक्सेस फीचर पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल के कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके और जिस भी व्यक्ति की आपने ईमेल आईडी बनाई है, ठीक है, उस व्यक्ति को सामने कीजिए, ठीक है? ये ध्यान रखना है, जिस भी व्यक्ति की ईमेल आईडी आपने बनाई है उस व्यक्ति का फेस दिखा सकते हैं 30 सेकंड तक, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेकंड तक। और उसकी आंखें खूब फाड़ फाड़ के, यानी कि आंखों को खूब घुमाना है और खूब खोलना है, ठीक है, जिससे इसमें अच्छे से वेरिफिकेशन हो पाए। जो आधार कार्ड का आप वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तब होता है उसी तरीके से, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक्सेस फीचर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है? तीसरा ऑप्शन है चैनल हिस्ट्री का, जिसमें 2 मंथ लगते हैं, ये आप मत कीजिए, आप दूसरा वाला कीजिए, सबसे बेस्ट है, और पहला वाला कीजिए। तो मैं दूसरा वाला चूज़ कर चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस तरीके से क्लिक कर लूँगा और नेक्स्ट करूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये कह रहा है, इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है, पॉपअप। और जो भी आपकी ये थोड़ा बैक हो जाता है बहुत जल्दी से, तो यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो वही सेम है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला चूज़ कर, सेकेंड वाला चूज़ करूँगा। अब गेट ईमेल पे हम क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल आईडी के अंदर एक मैसेज आएगा, डन कर देना है आपको, ठीक है? अब इसे यहीं रहने देना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो भी हो, ठीक है, वो लॉगिन होगी आपके फ़ोन में, ठीक है? उसे रिफ्रेश कीजिए, उस पर एक इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, ठीक है? मैसेज आने के बाद ये आप देख सकते हैं, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे कि मैं आपको कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी दी गई है, ठीक है, जिसका भी करना चाहते हैं आईडी का, वो आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी, नहीं तो आप इस पर एरो पे क्लिक करके दूसरी आईडी भी ले सकते हैं जिसकी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं डेट का, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली है वो करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लिखा है क्लियरली शो योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि लास्ट सेंस आप पासपोर्ट वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ पे अदर, ठीक है, बी क्रिएट करेंट, इस तरीके से करेंट की सारी डिटेल होनी चाहिए। तो आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ अलाउ करेंगे। अब जैसे ही आप अलाउ करेंगे ये कैमरा इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी आईडी सामने करनी होगी, मैं कहूँगा आपको पिन कार्ड ही लगाना है, ठीक है? चलिए लगाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींच ली है अपने पैन कार्ड की, ठीक है? अब मैं यहाँ सबमिट कर दूँगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आप यहाँ खुद देखेंगे यहाँ पर डन हो जाएगा, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 24 आवर लगते हैं, यानी कि 24 घंटे लगते हैं, ठीक है? और ये आप देख सकते हैं योर आईडी इज़ रिव्यू, ठीक है, यानी कि रिव्यू भेज दी गई है। योर कैन चेक द स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट और डिलीट योर आईडी और अकाउंट, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। थिंक सबमिट हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 आवर यहाँ दे दी गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ से बैकग्राउंड से आप हटा दीजिए, ठीक है? बैकग्राउंड से हटा दीजिए।
उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है 24 आवर के बाद सही हो जाएगी, ठीक है, अंदर अंदर। तो दोस्तों लगभग थोड़ी देर बाद यानी कि 1 से 1.5 घंटे बाद हमें मैसेज आ गया कि आपका जो तीसरा एडवांस फीचर है वो यहाँ अनेबल हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने अनेबल किया था अपनी आरडी से, ये आप देख सकते हैं वो वैलिड आरडी से, ये आप देख सकते हैं यहाँ अनेबल यानी कि ऑन हो गया, ठीक है। और उसके बाद मुझे एक मैसेज भी आया था, ईमेल आया था, ये आप देख सकते हैं, कंग्रेट्स यू कैन एडवांस सीटिंग फीचर ये आपको दे दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वाईटी स्टूडियो में भी चल के ये फीचर जो था यानी कि जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी कंटेंट के अंदर वो हट गई है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा इस तरीके से मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेंसिल के आइकन पर, और यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जो आ रही थी ऊपर की तरफ यहाँ पे शो हो रही थी वो देख सकते हैं यहाँ से हटा दी गई है, ठीक है। तो सी हाउ करके आ रही थी कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं, जैसे आपने देख लिया होगा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद।